हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको भी बिल्कुल ढाबे या रेस्टोरेंट स्टाइल वाली मसालेदार चाय पीनी हो ना, तो ऐसा मसाला तैयार करें। मसालेदार चाय के लिए ऐसा मसाला तैयार करने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। स्वागत है दोस्तों आपका अगीत की रसोई में। आज अगीत की रसोई में आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या मसालों की भरमार लगा रखी है मैंने। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। आज मैं बताने जा रही हूँ एक ऐसी सीक्रेट मसाला रेसिपी जो कि चाय के लिए बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही बढ़िया लगती है। और जब भी आपने सुना होगा ना टीवी में, रेस्टोरेंट में या ऐसे कभी मसाला चाय, तो ये बिल्कुल, जी हाँ, ये बिल्कुल वही रेसिपी है। उसी चाय की मसालेदार सीक्रेट रेसिपी लाजवाब है, जो कि पीने में भी अच्छी लगेगी, बनाने में भी बेहद आसान है और गर्मी में इसकी तासीर भी ठंडी रहती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चाय का मसाला तैयार करने के लिए हमें किन किन सामान की जरूरत है ये देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 5 ग्राम लौंग, 15 ग्राम छोटी इलायची या इसे आप हरी इलायची भी कहते हैं, 15 ग्राम सौंठ, सौंठ को कूट लिया है थोड़ा सा, 10 ग्राम दालचीनी ये स्टिक है, 15 ग्राम सौंफ, 5 ग्राम काली मिर्च, अगर आपको तीखी चाय पसंद हो तो आप इसे 10 ग्राम कर सकते हैं, आधा जायफल जिसे तोड़ के रख लिया है और 3 बड़ी इलायची। सबसे पहले हम गैस पे पैन को गर्म होने के लिए रख देंगे। पैन गर्म हो गया है फ्रेंड्स, इसमें हम डालेंगे हरी इलायची, सौंफ, काली मिर्च, लौंग, सौंठ, जायफल, दालचीनी के टुकड़ों को तोड़ के डालेंगे ताकि पीसने में आसान रहे ये, और इलायची के दानों को हम खोल देंगे, सिर्फ दाने डालेंगे। आप चाहें तो इसका छिलका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नहीं डालती हूँ। तीनों बड़ी इलायची के दाने को मैंने डाल दिया है। अब इसे हम धीमी आंच पर रोस्ट करेंगे। इसे धीमी आंच पर हम खुशबू उठने तक रोस्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 मिनट, इससे ज्यादा इसे रोस्ट करने की जरूरत नहीं है। भूनने से इसका अरोमा बहुत ही अच्छा आता है और ये बहुत ही टेस्टी और फ्लेवर्ड हो जाती है। 5 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स और ये अच्छे से भुन गया है। अब इसे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और तुरंत ही दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे, जिससे कि ज्यादा भुनने ना पाए। फ्रेंड्स, अब ये ठंडा हो गया है, इसे हम मिक्सर जार में ट्रांसफर करके पीस लेंगे, एकदम बारीक सा पाउडर बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चाय का मसाला बन के एकदम रेडी हो गया है। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। इसे आप 4 कप चाय में बिल्कुल 1/4 चम्मच इतना डाल सकते हैं, या 1 कप चाय में 2 चुटकी डाल करके पका करके पिए। और कब डालना है, बिल्कुल चाय बनाते समय, स्टार्टिंग में नहीं डालना है दोस्तों, इसे बनाना है लास्ट में, जब आपकी चाय बॉयल होकर एकदम रेडी हो जाए तो लास्ट में चाय मसाला ऐड करें, 30 सेकंड के लिए बॉयल करें और चाय छान के गर्मा गर्म पी लें। इस मसाले को आप एयर टाइट कंटेनर में महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।